किस समय प्रार्थना करें। हाँ, ये भी बड़ा विषय हो जाता है लोगों को, ये भी एक बड़ा विषय है कि मैं कब प्रार्थना करूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रार्थना का कोई समय नहीं है, हमारे लिए 2400 घंटे परमेश्वर के द्वार खुले हुए हैं। परमेश्वर के पट कभी बंद नहीं होते। सही बात है, वो पट बोले तो दरवाजे जैसे कभी बंद नहीं होते ना। हम रात को 2 बजे उठ जाए, रात को 3 बजे उठ जाए, 12 बजे, 1 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी परमेश्वर के लिए हमारे लिए परमेश्वर के द्वार जो हैं खुले हुए हैं, तो हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, मैं तो कई बार चलते चलते प्रार्थना कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, चलते चलते प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तेरी स्तुति हो, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु जी ये मेरी समस्या है तो आप इनका समाधान करो, इस भाई के लिए समाधान करो। कई बार गाड़ी चलाते हैं, किसी विश्वासी का फोन आ जाता है कि आप मेरे लिए पास्टर जी ये प्रार्थना कीजिए, गाड़ी चल रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, काम करते हुए हर समय प्रार्थना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो प्रार्थना का कोई समय नहीं है, जब आप ऑफिस जाते हैं, आप लंच में जब खाना खाने बैठते हैं, आप खाने के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर को भी धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु आपने भोजन मुझे दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो आप वहाँ टेबल पर बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप जो है जमीन पर बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप छत पर जाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप गाड़ी चलाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप जहाँ पर जा रहे हैं आप ट्रेन में भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये बातचीत करना है परमेश्वर के साथ। जी, तो आप ट्रेन में, सफर में, गाड़ी चलाते समय, और कई बार बोले मैं तो सफर में था, मैं कैसे प्रार्थना करता, अरे हम सफर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, हमेशा कहीं पर भी। जी, तो ये प्रार्थना का कोई समय नहीं है, प्रार्थना हमारी परमेश्वर से बातचीत है, और हम कहीं पर भी, कभी भी, किस हाल में भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं।